वैसे ये वही लेटर है ना जो मैं आपको सुबह देने आई थी? हाँ वही वही वही। तो लाइए मैं पढ़ देती हूँ। नहीं नहीं मैं पढ़ चुका हूँ और सब समझ में आ गया है मुझे, मतलब अब पढ़ चुका हूँ मैं। ओके ग्रेट। लेकिन एक तो भारी भरकम शब्द बैंक वालों ने लिखे है इसमें, वो थोड़ा समझ में नहीं आ रहा था बस, बाकी तो अच्छा। दिखाइए। अच्छा ओके देख ली। वैसे जीठा जी इसमें ज्यादा कुछ लिखा नहीं है, बस बैंक ने आपको ये लिखा है कि ऑनलाइन फ्रॉड से कैसे बचना चाहिए। जैसे आप अपने पासवर्ड, पिन नंबर, ओटीपी कभी भी किसी से भी शेयर मत करना, और हाँ फ्रॉड ईमेल और फ्रॉड फोन कॉल से हमेशा बच के रहना। हाँ पता पता है, पढ़ा मैंने। अच्छा ओके, तो कौन से वर्ड से जो आपको समझ में नहीं आ रहे थे? चले गए वो शब्द, इसी में थे शायद के दूसरे कैसे लेटर में हो। अच्छा ओके ओके। बबीता जी चलिए मैं दुकान ही जा रहा हूँ, तो आपको जहाँ भी जाना हो मैं आपको रिक्शा में छोड़ देता हूँ, चलिए। पर मुझे जहाँ जाना है वहाँ पे रिक्शा नहीं जा सकता। अच्छा टाउन जा रहे हैं आप, तो कोई बात नहीं, बांद्रा तक रिक्शा में चलते हैं, फिर वहाँ से आपको टैक्सी में बिठा के मैं दुकान चला जाऊंगा। जेठा जी मैं माधवी भाभी के घर पे जा रही हूँ। वहाँ रिक्शा नहीं जा सकती, बराबर। ओके बाय बाय, हैव अ गुड डे। ओके बाय बाय। जेठालाल अगर एक बार और तुम्हारे मुंह से ये लेटर लफ्ज निकला ना तो मैं इस लेटर को फाड़ के फेंक दूंगा। वैसे तो मुझे मेहता साहब के गुस्से का बुरा नहीं लगता, लेकिन उन्होंने बबीता जी के सामने मुझे डांट दिया ना, वो बात का मुझे बहुत बुरा लगा है। ये आपने बहुत गलत किया मेहता साहब, बहुत गलत। अरे मेहता सर, बॉस बार बार आपके बारे में पूछ रहे हैं, इतनी देर ऑफिस आने में। सर मेहता सर, बॉस आपके बारे में बार बार पूछ रहे हैं, इतनी देर ऑफिस आने में। घर से पैदल आ रहा था ना इसलिए लेट हो गया। सॉरी सर, वो आपकी वजह से आज पूरा ऑफिस परेशान हो रहा है। मेरी वजह से क्यों? क्योंकि सर आपने बॉस की वाइफ का बर्थ सर्टिफिकेट कहीं रख दिया है, और इसलिए सर बहुत गुस्सा है, और बॉस ने पूरे स्टाफ को बर्थ सर्टिफिकेट ढूंढने पर लगा दिया है। अरे भाई बॉस की वाइफ का बर्थ सर्टिफिकेट मैं बॉस को दे चुका हूँ, आप लोगों के पास कैसे हो सकता है वो? अरे नहीं हो सकता सर, लेकिन बॉस कह रहे हैं उनकी वाइफ का सर्टिफिकेट उनके पास नहीं है। हाँ सर आपके पास ही था, आप किसी के टेबल पर गए होंगे और वहाँ पर भूल गए होंगे, इसीलिए बॉस ने पूरे स्टाफ को कहा है बर्थ सर्टिफिकेट पूरे ऑफिस में ढूंढो। अरे चार पांच बार अपना डेस्क उल्टा पुल्टा करके देख लिया और अभी तक चाय भी पीने नहीं मिली है। अब आप जाकर कैबिन में जल्दी से बर्थ सर्टिफिकेट ढूंढ के और बॉस को दे दीजिए, ताकि हमारी परेशानी दूर हो। ये सब आपकी वजह से हुआ है। मेरी वजह से सर, मैं कह रहा हूँ मैं सर्टिफिकेट वापस दे चुका हूँ, मेरे पास नहीं है सर्टिफिकेट। और आप लोग मुझे ऐसे क्या देख रहे हैं, मैं कोई कला का प्रदर्शन कर रहा हूँ क्या? आप लोग मेरी वजह से परेशानी में नहीं हो? पर सर बॉस का कहना है कि मैडम का बर्थ सर्टिफिकेट तो आपके पास है। अरे नहीं है, मेरे पास बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है। और आप लोग तो ऑफिस पे अपनी अपनी टेबल पे ढूंढ रहे हो, मैं बॉस की वजह से अपने घर पे ढूंढ के आया हूँ। तो मिला सर? मिला। अरे यार कैसे मिल सकता है, जब सर्टिफिकेट मेरे पास है नहीं, मैं सर्टिफिकेट वापस दे चुका हूँ, तो कैसे मिल सकता है? पर पता नहीं बॉस को क्यों लग रहा है कि सर्टिफिकेट मेरे पास है। अरे कौन है यार? तो मतलब मैं झूठ बोल रहा हूँ? नहीं नहीं। तो फिर तुम झूठ बोल रहे हो? नहीं नहीं। देखो मेरी बात को समझो, यहाँ पर दो आदमी खड़े हैं। नहीं सर आप झूठ बोल रहे हैं। कहने का मतलब है ये झूठ है कि हम दो आदमी खड़े हैं, चार खड़े हैं ना आदमी और एक महिला खड़ी है। वो भी तो है, आप तो उनको भी तो खिल लो यार। वो बैठे हैं ना सर। बकवास कर रहे हो तुम,
इस मैटर में जो दो लोग मैटर करते हैं वो खड़े हैं ना यहाँ पर दो लोग, तो ये आदमी जो है वो झूठ नहीं बोल रहा है, झूठ बहुत बोल रहा है। नहीं नहीं, मेरे कहने का मतलब ना आप झूठ बोल रहे हैं ना मैं झूठ बोल रहा हूँ सर। यार तुम्हारी बातों को समझना ना मेरे लिए इम्पॉसिबल है। तुमने अपने कैबिन में ढूंढा? नहीं। ले वाह 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 वाह, तुमने कैबिन में ढूंढा ही नहीं तो तुमको कैसे पता कि मेरी बीवी का डेथ सर्टिफिकेट? पर सर्टिफिकेट तुम्हारे कैबिन में नहीं है? क्योंकि मुझे पक्का याद है सर कि मैं आपको सर्टिफिकेट दे चुका हूँ। अच्छा, मुझे दे दिया? हाँ। कब दिया, कहाँ पे दिया? आपके केबिन में। मेरे केबिन में? हाँ। अच्छा, अच्छा। तो भाई इसको सर्टिफिकेट देते हुए किसी ने देखा? नो सर। नो सर? नो सर। नहीं, मैंने सुना नहीं, जरा बोलो। नो सर। देखा, किसी ने नहीं देखा। तुमने मुझे सर्टिफिकेट दिया इसका तुम्हारे पास एक भी चश्मदीद गवाह नहीं है। सर चश्मदीद? अरे यार, अरे बाबा, मुझे मेरी लैंग्वेज का सर्टिफिकेट मत दो, मुझे मेरी बीवी का बर्थ सर्टिफिकेट दो। चलो अपने कैबिन में जाके ढूंढो, चलो।